हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बॉटनी में आपका पेपर सेकंड, जिसमें माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उसके अंतर्गत आज हम इस सेकंड पेपर में माइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और माइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइकोलॉजी क्या होती है। शॉर्ट में यह है कि माइकोलॉजी का मतलब जितनी भी जो फंजाई है उसके अध्ययन की शाखा को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं एक प्रकार की एगेरिकस है और ये भी एगेरिकस की एक डिफरेंट प्रजाति है। और यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये ब्रेड है, इसके ऊपर जो पेनिसिलियम है जिसको हम ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, ये इस पर पाई जाती है। तो आज हम फंगस के बारे में उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में ये बता दूं कि बच्चों, जैसे अभी जब बारिश का मौसम होता है तो आप देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है वहाँ पर आप कुछ जैसे सांप की छत्ती जिसको हम कहते हैं कॉमनली, वो आपको दिखाई देती है। जैसे कि ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत दिखाई देते हैं बारिश के मौसम में। तो ये क्या है? एगेरिकस है, जो कि एक प्रकार की फंगस कहलाती है। तो ये सब क्या है? फंगस होती है और ये फंगस जो है वो बहुत छोटी भी होती है, जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जा सकती है, और कुछ फंगस ऐसी जो कि बहुत बड़ी है, नेकेड आई से भी देखी जा सकती है। जैसे कि एगेरिकस है, लाइकोपोडन है, इनकी जो जीनस है ये नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। तो माइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो हम जाने कि माइकोलॉजी क्या है। यह साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फंजाई का अध्ययन करते हैं और अर्थात हम कवकों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, पहला माइक और जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है मशरूम, और लोगोस जो कि इसका मतलब होता है टू स्टडी या डिस्कोर्स। अर्थात हम साधारण भाषा में अगर कहें तो स्टडी ऑफ मशरूम इज कॉल्ड माइकोलॉजी, लेकिन अब ये शब्द बदल गया है, नाउ स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और वे साइंटिस्ट जो कि फंजाई का अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं, उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उस समय जो नेकेड आई से दिखाई दे जाने वाली जो फंजाई थी वो मशरूम कहलाती थी, और पहले मशरूम ही एज ए फंजाई को उसको मतलब पता किया गया। तो उस समय यही कहा जाता था कि स्टडी ऑफ मशरूम, लेकिन जैसे ही जब एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से कई सूक्ष्म फंजाई का भी पता चला, और तब से यह जो माइकोलॉजी जो शाखा है इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ फंजाई इसको ऐसे बना दिया गया, अर्थात स्टडी ऑफ मशरूम जो है वो अब स्टडी ऑफ फंजाई कहला रहा है, जिसके अंतर्गत फंजाई क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज की भी होती है, जैसे कि पेनिसिलियम है, अल्टरनेरिया है, और बड़ी बड़ी नेकेड आई से दिखाई देने वाली फंजाई भी होती है। तो जो प्रेजेंट बायोलॉजिस्ट है वह स्टडी ऑफ फंगस कहते हैं मशरूम की जगह। नाउ जो वैसे तो फंजाई को ट्रेडिशनली प्लांट किंगडम के अंदर ही उसके अंतर्गत ही इसको अध्ययन किया जाता था, लेकिन जो मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फंजाई को एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया है, क्योंकि वैसे तो इसके कुछ कैरेक्टर्स प्लांट से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल से मिलते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इससे प्लांट से नहीं मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इससे एनिमल से नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से फंजाई को जो मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फंजाई को एक अलग ही ग्रुप में रख रखा है। तो जो फंजाई है वो ग्रीन प्लांट से किस प्रकार से डिफर करती है, क्योंकि फंजाई में एक तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और उस क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, अर्थात दे वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, दे आर हेटरोट्रोप, क्योंकि खाना खुद नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इस प्रकार से ये फंजाई है जो प्लांट से डिफर करती है, और इसकी वजह से उनको अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वो अपना भोजन या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं और या फिर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर वो सहजीवन यापन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब वो डेड ऑर्गेनिज्म पर
पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उस प्रकार की जो फंजाई की नेचर है वो क्या कहलाती है, सेप्रोफाइट, जिसको कि सेप्रोफाइट कहलाती है, जिसको मृतोपजीवी भी हिंदी में कहते हैं। और यदि फंजाई अपना भोजन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उस पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है तो उसे परजीवी कहते हैं, अर्थात पैरासाइट कहते हैं। और यदि वो किसी के साथ में मिलकर रहती, जैसे कि या तो वो एल्गी के साथ में मिलकर अपना जीवन यापन करें, अपना सहजीवन यापन करें, और या फिर फंजाई के साथ अपना अपना मतलब हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ अपना एसोसिएशन के साथ अपना जीवन यापन करें, तो उसे हम सिम्बायोन एसोसिएशन कहते हैं। तो फंजाई सेप्रोफाइट की तरह भी रहती है, पैरासाइट की तरह भी रहती है और सिम्बायोन की तरह भी रहती है। माइकोराजा वह एसोसिएशन है जिसमें फंजाई हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएट रहती है और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों ही पार्टनरशिप में रहते हैं और दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। अभी तक 1 लाख स्पीसीज फंजाई की ज्ञात है और पायर एंटोनियो माइकेली जो है उनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार उनकी बुक नोवा प्लांटेरम जेनरा जो कि 1729 में लिखी गई थी उसके अंदर 1900 प्लांट को डिस्क्राइब किया था, जिसके अंतर्गत 900 फंजाई तथा लाइकेन को उन्होंने वेल मैनर्ड में डिस्क्रिप्शन किया, तो इसलिए उनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि हु रोट नोवा प्लांटेरम जेनरा या हु इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो ये पिक्चर है पायर एंटोनियो माइकेली की, जिन्होंने 1729 में अपनी वर्क के उनके पब्लिकेशन के कारण उनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। अब हम एक शॉर्ट में फंगस की परिभाषा जानें, तो फंगस है क्या। एलेक्सोपोलस ने 1962 के अनुसार फंजाई आर न्यूक्लियोटेड स्पोर बियरिंग एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स विच जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली एंड हूज फिलामेंट्स फिलामेंटस एंड ब्रांच सोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली सराउंडेड बाय द सेल वॉल विच कंटेन काइटिन सेलुलोज और बोथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि फंजाई वैसे तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की तरह एनिमल की तरह, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर प्लांट से डिफरेंट जो करेक्टर, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब दे आर ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स और उनमें सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और मोस्टली वैसे तो यूनिसेलुलर फंगस भी होती है, यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है जैसे कि ईस्ट है, लेकिन अधिकांश जो फंजाई है उनके मेंबर्स फिलामेंटस अर्थात तंतुनुमा होते हैं और ये तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अर्थात प्लांट की तरह फंगस में भी सेल वॉल पाई जाती है, उसके अंतर्भूत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है प्लांट से डिफरेंट कैरेक्टर है इसमें कि इसमें जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटिन या कुछ केसेस में सेलुलोज और दोनों की भी बनी हो सकती है। काइटिन एक विशेष प्रकार का अलग से एक केमिकल होता है। तो जैसे कि जो फंजाई के अंदर एक ओमाइसेटिस क्लास है उसकी जो मेंबर्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है, प्लांट सेल वॉल की, प्लांट सेल की तरह। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं एक मैक्रोस्कोपिक एगेरिकस जिसे हम कह सकते हैं फंजाई है, जिसको हम कॉमनली अपनी भाषा में छतरी भी, सांप की छतरी कहते हैं, जो कि बारिश के दिनों में ऐसे ही जंगली की तरह ऐसे ही उग जाती है, गंदगी में है या गोबर में ऐसे उग जाती है, कचरे में, सड़े गले खाद कचरे में उग जाती है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये पेनिसिलियम का है, जो कि जिस एक प्रकार की एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं वो प्राप्त होती है। आर्थिक महत्व हम अपने किसी अगले वीडियो कभी और वीडियो में इसमें देखेंगे। अब हम देखते हैं, तो अभी हमने जाना है कि माइकोलॉजी क्या है, जो कि वह साइंस की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, अर्थात इसकी प्रकृति और आवास, फंजाई कहाँ पाई जाती है। वैसे तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है और सब जगह पाई जाती है। ये एयर में भी मिल जाएगी, मतलब वायु में भी इसके स्पोर मिल जाते हैं, पानी में भी मिल जाते हैं, खारे पानी में, मीठे पानी में,
डेड ऑर्गेनिक मैटर में, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में, इसके ये सब जगह ये हर एनवायरमेंट में ये इसकी ये पाई जाती है। लेकिन जैसा कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जो कि प्लांट से एक डिफरेंट कैरेक्टर है, तो इसको अपने भोजन के लिए या तो सेप्रोफाइट की तरह रहना पड़ता है, या पैरासाइट की तरह रहना पड़ता है, या सिम्बायोन्स की तरह रहना पड़ता है। अधिकांश जो फंजाई है वो टेरिस्ट्रियल होती है, अर्थात भूमि पर पाई जाती है, जिसमें कि वो सॉइल पर भी हो सकती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी हो सकती है, डिकिंग सड़े गले पदार्थों पे भी हो सकती है, जिसको कि हम सेप्रोफाइट कह सकते हैं। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स पे रहती है, जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे जैम, ब्रेड, फ्रूट्स, अचार, इनके ऊपर भी आपने कभी देखा होगा फंगस पाई जाती है। तो अर्थात फंजाई जो है, कवक, वो है सब नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करती है। कुछ फंजाई एक्वेटिक नेचर की होती है, जो कि पानी में पाई जाती है, खारे पानी की भी हो सकती है, हवा में भी होती है। और फंजाई की अगर साइज की बात करें तो बहुत छोटी नेकेड आई से दिखने वाली भी फंजाई होती है, और माइक्रोस्कोप से देखने वाली फंजाई भी होती है। तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसके इसके कारण ये हेटरोट्रॉफिक होती है, और इसके इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके पोषण प्राप्त करने के तरीके के आधार पर ये पैरासाइट, सेप्रोफाइट या सिम्बायंट प्रकार की हो सकती है। अब हम इनके सोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसका जो कायिक संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं। फंजाई यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, या मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस प्रकार की भी हो सकती है। यूनिसेल्युलर प्रकार के अर्थात एक कोशी की जो फंजाई है, जिसके एग्जांपल है सिनकाइट्रियम है, सैक्रोमाइसिस, जिसे हम यीस्ट भी कहते हैं, वो होती है। और फिलामेंटस फंजाई, अधिकांश फंजाई फिलामेंटस ही होती है, तंतुमय होती है, जैसे कि म्यूकर है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ये सब जो फंजाई है, अल्टरनेरिया है, ये सब फंजाई फिलामेंटस तंतुनुमा फंजाई के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो फंजाई की जो एक इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं, जो तंतु होता है जिससे फंजाई का निर्माण, फंजाई का थैलस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं, और इसके प्लूरल को हाइफी कहते हैं। और ये जो हाइफा होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक तो ब्रांच होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी शाखाएँ बनती है, और इसकी जो पूरे जो जब ये इसका जो हाइफी है डिफरेंट डायरेक्शन में खूब सारी ब्रांचिंग करता है, तो इस पूरे ब्रांच के जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइफी एंड व्हाट इज माइसिलियम। तो माइसिलियम तो क्या है, एक सिंगल तंतु जो है उसका, माइसिलियम का हाइफी क्या है, माइसिलियम का एक अकेला तंतु है, और खूब सारे तंतु अर्थात खूब सारे हाइफी मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं, एक एंटेंगल मास बनाते हैं। इस नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं, जिसको हम कवक जाल भी कहते हैं। हाइफी फंगस के अंदर ए सेपरेट भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, अर्थात ये पटनुमा भी हो सकता है और बिना पटके भी हो सकता है। ए सेपरेट का मतलब उसमें कोई भी क्रॉस वाल नहीं होती है। जब माइसिलियम के अंदर, ये आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों प्रकार के डायग्राम यहाँ पर बना रखे हैं, एक सेपरेट माइसिलियम को शो कर रहा है, मतलब सेपरेट हाइफी को शो करता है, और एक सिनोसेटिक हाइफी को शो करता है। सेप्टेट हाइफी वह हाइफी जिसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, एक पट पाया जाता है, और इन पट के अंदर डिफरेंट प्रकार के पोर्स होते हैं। तो ये वे हाइफी जिसके अंदर पट पाए जाते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं, पार्टीशंस पाए जाते हैं, उनको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। और वे हाइफी जिसके अंदर कोई सेप्टम नहीं पाया जाता है, कोई पार्टीशन नहीं होता है, कोई क्रॉस वॉल नहीं होती है, तो उसको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। जब सिनोसिटिक हाइफी होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक टाइप का हाइफी। जो सेप्टेट माइसिलियम है, क्योंकि जो ए सेप्टेट माइसिलियम है उसमें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती ही है, लेकिन जो सेप्टेट माइसिलियम है तो वहाँ एक एक जो सेल होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो जो सेपरेट माइसिलियम है अर्थात जो हाइफी है, इट में भी मोनोकैरियोटिक, इट में भी डाइकैरियोटिक, और इट में भी मल्टी कैरियोटिक कंडीशन भी इसमें हो सकती है।
जो क्रॉस वॉल है अर्थात जो सेप्टा है हाइफा के अंदर सेल दो सेल के बीच में, उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के पोर्स होते हैं पदार्थों के आदान प्रदान के लिए। ये कह सकते हैं कि माइक्रोपोर बहुत छोटे छिद्र वाले सेप्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है जियोट्राइकम में इस प्रकार का माइक्रोपोर पाया जाता है, और सिंपल पोर भी हो सकता है जिसमें कि थोड़ा बड़ा पोर होता है, और अधिकतर यह सिंपल पोर जो होता है वो एस्कोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरो माइकोटिना में पाया जाता है। और जो अलग तीसरे प्रकार का जो सेप्टम है वो कहलाता है डोलीपोर सेप्टम, जिसको जनरली प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर कि व्हाट इज द डिफाइन डॉलीपोर सेप्टम, या इसको परिभाषित कीजिए। तो डॉलीपोर सेप्टम जो है वो सिर्फ बेसिडोमाइकोटिना के मेंबर्स में ही पाया जाता है। उसके अंदर भी रस्ट और स्मट के अंदर जो बेसिडोमाइकोटिना, जब डिटेल इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बेसिडोमाइकोटिना के अंदर रस्ट और स्मट भी होती है, उसके अंदर ये नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी में ये जो बेसिडोमाइकोटिना के मेंबर्स उसमें डोलीपोर प्रकार का सेप्टम पाया जाता है। अब डोलीपोर सेप्टम क्या होता है, डॉलीपोर सेप्टम के अंदर क्या होता है, जैसे ये कि ये तो हाइफा की वॉल हो गई, दोनों दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, और ये बीच में इसमें पट बन गया। तो इस पट में देखते हैं कि ये जो सेप्टम बन रहा है, इस सेप्टम के जहाँ पर जो पोर बन रहा है वहाँ पर थोड़ा सा एक गोल स्ट्रक्चर बन गया, ये थोड़ा एनलार्ज एरिया हो जाता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये छिद्र होता है, और इन दोनों के बीच का जो ये जो पोर है, इस पोर के ऊपर एक आर्क की तरह एक स्ट्रक्चर, एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेंथोसोम कहते हैं, जो कि इसके एक प्रकार से ये वाल्व की तरह कार्य करता है, और दो सेल के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान को, आवागमन को कंट्रोल करता है। तो डॉलीपोर सेप्टम जो के अंदर पैरेंथोसोम पाया जाता है, जो कि वाल्व की तरह कार्य करता है और आर्क की तरह प्रेजेंट होता है। कुछ जो पैरासिटिक फॉर्म्स फंजाई की हैं, जो कि परजीवी होती है, और तो उनके अंदर क्या होता है, हाइफी से एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे हम चूषकांग या हस्टोरिया कहते हैं, जो कि उनसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उससे अपना फूड प्राप्त करने के लिए एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, जो कि चूसने का कार्य करता है। सो हॉस्टेरिया क्या है, चूषकांग क्या है, इट इज ए स्पेशलाइज ऑब्जॉर्बिंग ऑर्गन, ये एक विशेष प्रकार का चूषकांग है, जो कि होस्ट की टिश्यू की सरफेस से या होस्ट के टिश्यू से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये हुआ सोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि फंगस जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस भी होती है, ये फिलामेंट्स ब्रांच होते हैं, और ब्रांच होकर के एक जब नेटवर्क बनाते हैं तो इसे माइसिलियम कहते हैं, और फंगस की एक इकाई को हम हाइफा या तंतु कहते हैं, या जो उसका फिलामेंट है उसको हम उस फिलामेंट अर्थात तंतु को हम हाइफा कहते हैं, और ये हाइफा सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी हो सकते हैं। जब ये एसेप्टेट होंगे तो सिनोसेटिक कंडीशन कहलाएगी, और सेप्टेट में मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन हो सकती है। इन सेप्टम के अंदर जो पोर होते हैं वो माइक्रो पोर प्रकार के भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं एंड डॉलीपोर प्रकार के भी हो सकते हैं, और जब ये किसी भी लिविंग होस्ट से अपना खाना प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, हाइफा से डेवलप हो जाती है, जिसे कि हम हॉस्टोरिया कहते हैं। अब हम देखते हैं इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि ये जो फंगल सेल है वो कैसी है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल से किस प्रकार से भिन्न है ये, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, अर्थात इसमें हरित लवक जो है वो नहीं होता है, इसलिए ये अपना खाना दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं, हरे प्लांट की तरह अपना भोजन नहीं बना सकते, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल है, क्योंकि लेकिन एनिमल से कैसे डिफरेंट है ये, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, तो प्लांट से समान करेक्टर क्या है, इसके अंदर सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन उससे असमानता क्या है कि प्लांट सेल के अंदर तो क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन फंगल सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फंगल के अंदर जो सेल होती है इट इज सराउंडेड बाय ए सेल वॉल, लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स है, जो लोअर जो निम्न प्रकार की जो फंगस है स्लाइम मोल्ड, उसके अंदर ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और फंगल सेल वॉल जो होती है वो
एक फंगल सेल्यूलोज जिसे हम काइटिन कहते हैं उसकी बनी हुई होती है, लेकिन कुछ जो जो लोअर फंजाई जैसे कि जो ओमाइसिटिस के मेंबर्स हैं उसमें फंगल सेल्वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है प्लांट सेल की तरह, और बाकी जनरली फंगस की जो सेल्वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है या सेल्यूलोज की होती है, दोनों प्रकार से बनी होती है। अब सेलवॉल के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल घटक है वो क्या है, प्रोटीन और लिपिड की यह बनी होती है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के साथ में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, स्पिंडल एपरेटस पाया जाता है। ये माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया भी दर्शाते हैं। दूसरे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो है, एक तो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और लेकिन इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, और इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम लोमासोम्स कहते हैं। ये इस फंगस का इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है और इनकी संख्या दूसरे ऑर्गेनिज्म की तुलना में ज़्यादा होती है। किसके अंदर? फंगस सेल के अंदर। एक्चुअल में लोमासोम क्या होते हैं? लोमासोम्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल एट सम प्लेसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे कि सपोज ये सेल वॉल है और इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसे खूब सारे ऐसे इन्वेजिनेशन कहते हैं फोल्डिंग बना देती है और इसको हम क्या कहते हैं, लोमासोम कहते हैं। तो लोमासोम क्या है? दीज आर द इन्वेजिनेशन डेवलप बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। देन इनके अंदर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी पाई जाती है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है ये प्लेट लाइक होती है जैसे कि एनिमल की तरह है। लेकिन जो ओमाइसिटीज हैं और जो अदर प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर फर्क ये है कि इनके अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टी, ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी पाई जाती है। फंगस की सेल हैप्लो अपने अलग अलग लाइफ फेज में हैप्लोइड भी हो सकती है, डाइकैरियोटिक भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। जो डिप्लॉइड फेज होती है वह शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। जो लोअर फंजाई है उन जैसे कि मेस्टिगोमाइकोटीना है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं और वो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो या तो जूस पोर्स हैं, गैमिट्स हैं, जिसमें कि फ्लैजिला होते हैं, वो मोटाइल सेल्स होती है। उनमें फ्लैजिला की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, अर्थात द सेल्स आर यूनिफ्लैजिलेटेड और बाईफ्लैजिलेटेड। ये जो फ्लैजिला हैं वो दो प्रकार, फंजाई के अंदर दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं जिसको हम कशाबिका कहते हैं। ये विप्लाश प्रकार के हो सकते हैं या टेंसिल प्रकार के हो सकते हैं। विप्लाश प्रकार के जो फ्लैजिला जिसको कि हम चाबुक की तरह ये होते हैं और इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके मैं बताती हूँ आपको। तो विप्लाश प्रकार के फंजाई जो फ्लैजिला उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये विप्लाश प्रकार का एक फ्लैजिला बनाया है मैंने यहाँ पर, और इसमें जो ऊपर का जो भाग होता है वो बहुत पतला और तीखा हो जाता है जिसे चाबुक की तरह फ्लेक्सिबल होता है। और जो टेंसिल प्रकार का फ्लैजिला होता है उसके अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है कि इसका पूरा एक दबाग ये सब ड्रॉ करें इसके अंदर ये, और यहाँ पर ये इसमें ऐसे छोटे छोटे इसमें आगे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लीमर्स कहते हैं। तो ये टेंसिल प्रकार के फ्लैजिला होते हैं जो कि फंजाई में पाए जाते हैं। तो मेस्टिगोमाइकोटीना में जो फंजाई जो मोटाइल सेल्स है वो यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकती है, बाईफ्लैजिलेटेड भी हो सकती है, और फ्लैजिला विप्लाश या टेंसिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं या एक ही प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जो हायर फंजाई है उसमें मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती, जैसे कि जाइगोमाइकोटीना है, एस्कोमाइकोटीना है, बेसिडियोमाइकोटीना है और एंड ड्यूट्रोमाइकोटीना है जो कि हायर फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर मोटाइल सेल्स लाइफ की किसी भी स्टेज में नहीं पाई जाती हैं। अब हम एक टिपिकल फंगल सेल की बात करते हैं। इस फंगल सेल में आप देख सकते हैं कि एक हमने एक टिपिकल फंगल सेल का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है इसके अंदर। इसमें बाहर की तरफ ये सेल वॉल आपको इसमें दिखाई दे रही है, दिस इज द सेल वॉल, सबसे बाहर से जो सेल वॉल है उसके अंदर फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है और इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल ग्रीन होती है। यहाँ पर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, वैक्यूल्स इसमें होती है, वेल डिफाइंड इसमें केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियस सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये आपको इसमें क्रिस्टी भी दिखाई दे रही है। इसमें ग्लाइकोजन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं जो कि
ATS प्रकार के होते हैं, 60 प्लस 14 की सब यूनिट होती है। तो फंगस सेल, एक फंगल सेल एक प्रकार से यूकैरियोटिक सेल को दर्शाती है। अब हम इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ते हैं। इसके अंदर फंगल सेल का जो कंपोजिशन होता है वो हम देख सकते हैं इसके अंदर। और इसकी जो सेल्स जो है, सेल वॉल का क्या कार्य होता है, उस जो सेल है उसकी शेप को मेंटेन करना, उसके एक उसको रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। और इसका कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट प्रकार से हो सकता है। और जनरली इसमें जो सेल वॉल होती है वो इसमें 80 to 90% तो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और साथ में कुछ लिपिड्स और प्रोटीन की मात्रा भी इसमें होती है। और जो कॉमन सेल वॉल मटेरियल फंगस के अंदर है वो काइटिन होता है, जो कि बेसिकली एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। लेकिन कुछ फंजाई जैसे कि ऊ मचीज बताया था, उसके अंदर सेल्यूलोज भी पाया जाता है, और किसी के अंदर उसमें ग्लूकेंस भी पाए जाते हैं। और जो मुख्य केमिकल्स हैं जैसे कि सेल्यूलोज ग्लाइकोजन का एक्रेसियोमाइसिटीज में ये सेल्यूलोज ग्लाइकोजन होता है, ऊ मचीज में ये सेल्यूलोज ग्लूकन पाया जाता है, देन हाइपोकार्टिडियोमाइसिटीज में सेल्यूलोज चिटिन पाया जाता है, चिटिन चिटोसन भी होता है जाइगोमाइसिटीज में। तो डिफरेंट प्रकार का कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई के अंदर ये पाया जाता है। इस पिक्चर में आपको फंगल सेल वॉल का हमने स्ट्रक्चर दिखाया, इसका एक डायग्राम लगाया हमने। तो बच्चों आज हमने फंजाई के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि माइकोलॉजी क्या होती है और उसके उसकी वो कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में देखा, और उसके सोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू। अगली वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।